हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी रेस्टोरेंट स्टाइल में। घर में जो सामान होता है उस सामान से बनाएंगे, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लेंगे। तो 1.5 kg हमारा चिकन है, थोड़ा सा मक्खन डालेंगे इसमें, और ये हमारा 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। अब हम इसे इसमें फ्राई करेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, लगभग 50-60% फ्राई करने में हम कुछ कर लेंगे। अब हम इसमें फ्राई करते टाइम लगभग 3 क्यूब मक्खन भी डाल दिए, और बाकी हम मक्खन डालेंगे सब्जी बनाते टाइम। दोस्तों, हमारा चिकन अब फ्राई हो चुका है। हमने इसे 20 मिनट तेज आंच पे फ्राई करा है। अभी लगभग हमारा 60% कुक हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला है, जो तेल वो बच गया था चिकन निकालने के बाद, ये वही तेल है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से खड़े मसाले गिरेंगे। ये हमारे खड़े मसाले हैं, और जो आपके घर में उस टाइम मिल जाए जिस टाइम चिकन बना रहे हैं वही यूज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं है आपको ये सब गिरने हैं। ये हमारे तेज पत्ते 3, 2 हरी इलायची, दालचीनी, चक्करफूल, 3 लौंग, खसखस लगभग 1/4 चम्मच, यह हमारा जावित्री का फूल, यह हमारी 9 से 10 काली मिर्च, यह हमारा 1 चम्मच जीरा, यह हमारा साबुत धनिया, इसे हल्का सा कूट लें, यह हमारा जायफल, इसे हम बिल्कुल जरा सा क्रश करके डालेंगे, इसे ज़्यादा मत डालिएगा। जावित्री बिल्कुल थोड़ी सी क्रश करके डालनी है। ये हमारी 4 बड़ी कद्दूकस की हुई प्याज, ये हमारी 1/4 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले को भूनने के हिसाब से आपका टेस्ट आता है। अब जितना भूनोगे उतने ज़्यादा टेस्ट आएगा। अगर मसाला कच्चा रह जाता तो सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आता। टमाटर 3 बड़े और 7-8 हरी मिर्च। अब हमारा मसाला पक चुका है, देखिए इसने तेल छोड़ दिया है, तो अब इसमें टमाटर और मिर्च डालेंगे। दोस्तों, हमारे ये मसाले गिरेंगे। ये हमारा 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये हमारी 2 चम्मच लाल मिर्च, ये हमारी 1 चम्मच हल्दी, ये हमारी 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर ऑप्शनल है, अगर हैं तो गिर दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा 2.5 चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार गिरिए। ये हमारा एवरेस्ट का चिकन मसाला, ये 5 रुपये वाला पाउच डाला है मैंने, लगभग 2 चम्मच। आप घर का गर्म मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसमें मसाले गिर चुके हैं, और इसे पानी में मिला के गिरे ताकि ये जले ना मसाले। इस मसाले के पकने की निशानी है तेल छोड़ देता है, बुलबुले उठने लगते हैं इसके अंदर। दोस्तों, अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई गिरेंगे, घर की ताज़ी मलाई, आप अमूल मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, और इधर मलाई और मक्खन ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो गिर दीजिए। अभी हमारे मसाले की बनाई होती है, अब हमारा ये मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये 5 मिनट अब हम इसे फ्राई करेंगे तेज आंच में। अब हम इसमें बटर गिरेंगे भूनते हुए, 2 से 3 चम्मच, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप गिरना चाहें।
ये हमारा चिकन की बनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। लगभग लगभग हम इसे सूखा बनाएंगे। आप ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं। डेढ़ कटोरी पानी घेर दिया हमने इसमें। अब हम इसे 10 मिनट पकाएंगे ढककर। फ्रेंड्स, अब हमारा चिकन लगभग पक के रेडी हो चुका है और अब हम इसे धनिया से गार्निशिंग करेंगे। आप पानी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आप अपना चिकन एंजॉय कर सकते हैं। और चिकन बन के तैयार हो कुछ ऐसा दिखता है। जैसे चावल के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।